जिंदगी में कितने पल मिले कौन परवाह करता है, हर पल में कितनी जिंदगी मिली फर्क तो इससे पड़ता है। ऐसे ही कुछ प्रेरणा देने वाले पलों और स्त्रियों का मंच है हमारा ये शो। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूं। स्त्री शक्ति। जिंदगी के हर पल को जिंदा दिली से जीती आई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी आज के मेहमान के बारे में। ये हैं ज्योति धवले सुरवे। मुस्कुराहट एक ऐसा एंटीवायरस है जो दुख, अफसोस और निराशा के सारे वायरस को मार देता है। ज्योति खुद भी मुस्कुराती है और मुस्कुराहट बांटती भी है, लेकिन ज्योति की इस मुस्कुराहट के पीछे जिंदगी की एक डराने वाली सच्चाई छुपी है। 9 साल पहले मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से ज्योति HIV पॉजिटिव हो गई। HIV ये एक ऐसा वायरस है जिसके फैलने से आप एड्स जैसी घातक बीमारी का शिकार बन जाते हैं, जिसके नाम से ही दहशत का माहौल छा जाता है, लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। पर ज्योति जी इस वायरस से लड़ रही हैं और वो भी चेहरे पर हंसी लिए। तालियों से स्वागत कीजिए अटूट साहस और हिम्मत की मिसाल ज्योति धवले सुरवे जी। ज्योति बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर। यहाँ मैं हमारे सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि बचपन में एक एक्सीडेंट होने की वजह से ज्योति को हियरिंग प्रॉब्लम है, ये सुन नहीं सकती हैं, सामने वालों की बात समझने के लिए लिप रीड करती हैं। ज्योति आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप HIV पॉजिटिव हैं, ये आपको कब पता चला? मुझे HIV पॉजिटिव होना 2005 में पता चला, जब मैं 3 महीने गर्भवती थी और मुझे जबरदस्ती 4th बार अबॉर्शन के लिए ले जाया जा रहा था। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार आपने अबॉर्शन करवाया? मेरे पति को बच्चा के लिए वो तैयार नहीं थे, बच्चा नहीं चाहिए था, नहीं, और ऊपर से वो गर्भ निरोधक का कोई प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि उनको प्रोटेक्शन यूज करना पसंद नहीं था। जब आपका एबॉर्शन हो रहा था वो वक्त आपके लिए कितना मुश्किल था? एक्चुअली मैं अबॉर्शन के लिए सहमति नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी पेट में मेरा बच्चा है तो मैं जन्म दूंगी, ऐसे मार जाए थे, जो उत्साह जो होता था मुझे बहुत खुशी हुआ करती थी। लेकिन जब मेरे पति ने बोला कि उसको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा तो मैं विरोध किया करती थी, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अस्पताल ले जाते थे अबॉर्शन करवाने के लिए, क्योंकि वो बोलते थे कि अभी तैयार नहीं है, जब भी देखा जाएगा तभी देखा जाएगा। आपके पति का व्यवहार आपके प्रति कैसा था? जहाँ तक कि हम दोनों के बीच में, जहाँ शारीरिक संबंधों के बीच में जो मामला आया करता था, तो उसके हिसाब से जब जब मैं उनको कंडम पहनने को बोला करती थी तो वो बहुत मना करते थे, बहुत विरोध करते थे। और जब मैं उनको कहा करती थी कि 10-15 मिनट इंतज़ार करने के लिए ताकि मैं मेरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लगा लूँ, तो वो भी नहीं चुना करते थे, बहुत जोर जबरदस्ती हुआ करता था। क्या वो आपको किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर करते थे? जब भी मैं उनको कुछ बात पर ना बोलूँ जो वो चाहते और मैं नहीं चाहती अपनी हालत के लिए, तो हाँ मारते थे। हाँ दोस्तों, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती कि एक पिता इतना निर्दयी, इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कैसे वो 3-3 बार अपने आने वाले बच्चे को उसके जन्म लेने से पहले ही मार सकता है? ज्योति,
जब आपको ये पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं, वो दौर आपके लिए कैसा था? जब ही मुझे चौथी बार गर्भपात करवाने के लिए ले जाया गया तो उस समय मुझे HIV टेस्टिंग करना पड़ा, तो वहाँ का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो उस समय मुझे बहुत शौक था महसूस होने लगा, क्योंकि शादी के पहले 6 महीने पहले मैंने HIV टेस्टिंग करवाई थी तो रिजल्ट निगेटिव निकला था, और ऊपर से HIV पॉजिटिव निकलना मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे ये क्या हो गया। कभी मेरे मन में ऐसा लगता था कि कुछ गलतफहमी हुई हो या फिर मेरे पूर्व पति HIV पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ कुछ लग रहा था। तो मैंने इनको कहा था कि शायद वो टेस्टिंग करके देखे तो मुझे मालूम पड़े कि मुझे HIV पॉजिटिव कैसे हुआ है इसीलिए, और जब इतने टेस्टिंग करवाई तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव निकला, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चढ़ गई थी क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डिप्रेशन के दौरान मैंने बहुत सोच में पड़ गई थी कि शायद इन 1 ईयर डिफरेंस के अंदर ही कोई छोटे बड़े हॉस्पिटल में जाकर कुछ लापरवाही की वजह से मुझे HIV पॉजिटिव होना पड़ा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अबॉर्शन की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ लापरवाही हुई होगी हॉस्पिटल से कि मुझे हुआ हो। कभी ऐसा लग रहा था कि लोग को मालूम पड़ेगा तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि जितना HIV के बारे में मेरे को ज्ञान था उतना मेरे को मालूम था कि समाज लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो मेरे अंदर बहुत डर था पैदा हो गया था। तो जब ही मेरे पति ने भी ऐसा कुछ बोला कि वो मेरे साथ देंगे, लेकिन बोलने के बावजूद भी वो अपने रास्ते से मुकर गए, तो मुझे कभी कभी अपने आप को मार डालने की इच्छा हुआ करती थी, क्योंकि टाइम मेरे पास उतना ताकत भी नहीं था खुद को जीने के लिए या दूसरों को अपना मेरा चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि उसी टाइम की जो बात है 2004-2005 की बात है, तो उस टाइम लोग समझते थे कि HIV होना सिर्फ शारीरिक संबंधों से होता है या फिर ड्रग इंजेक्शन के द्वारा हुआ करता है, तो अगर मैं उनको कुछ बोलूँ तो वो मेरे बारे में कुछ विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो इतना डर के मारे मेरे बहुत भय पैदा हो रही थी। अच्छा ज्योति, एक बात बताइए जी, जब आप HIV पॉजिटिव हो गई तो समाज का नज़रिया आपके लिए कैसा था, कोई अलग तरीके का भेदभाव? हाँ बहुत, मुझे एक बात याद है, जब भी एक दिन मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, एक डेंटिस्ट के पास जाना था, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैं उनको पहले बताई थी कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो ताकि वो अपना मेडिकल इक्विपमेंट स्टेरिलाइज करके रखें फिर आप मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद, लेकिन जब उनको उस टाइम मालूम पड़ा कि मैं पॉजिटिव हूँ तो उसने मेरा ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया। अरे? और क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर वो मेरे को ट्रीटमेंट कराएंगे तो शायद उनका मेडिकल इक्विपमेंट चले के दूसरों को कराएंगे तो उसको भी हो जाएगा, या फिर उनको डर लगा होगा कि कहीं और आज दूसरों लोग को मालूम पड़ेगा कि कोई HIV पॉजिटिव आई है तो कोई और नहीं आएगा उनके क्लिनिक में। ताल उसी था मेरा, मतलब 2004-2005 की बात है, तो उस टाइम HIV के बारे में इतना ज़्यादा प्रचार नहीं था जितना अभी है। दूसरी बात, मुझे ये याद है कि जब मैं अपना क्लिनिक में कोई फ्रेंड को बोला करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बारे में किसी को मालूम पड़े जी, ताकि वो मुझे सपोर्ट दिया करे, तो किसी ने मेरे ताक दिया, कईयों ने मुझे बहुत छोड़ दिया। एक मेरी एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड भी है जो अपने बारे में इतना सब कुछ बताते थे, हम लोग सब कुछ शेयर करते थे, और जब मैं HIV पॉजिटिव के बारे में बोली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ देंगे और उनको लगेगा कि अच्छा कोई जब
बड़ी बात नहीं है, दो तीन हम दोनों के बीच में ऐसे टूटेगी नहीं, लेकिन मेरे को ये आश्चर्य हुआ जब एक बात सुनने के बाद उसने मेरा पूरा का पूरा दोस्ती तोड़ दिया। हम दोनों की दोस्ती कम से कम 3 साल लंबी थी। कैसे दोस्त हैं ये, जब इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त आपका साथ छोड़ दिया। आपके पति का कैसे क्या रवैया था जब उनको पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं? इस टाइम जब भी मेरे पति को मालूम पड़ा कि मैं HIV पॉजिटिव ही, तो उसने मेरे को बहुत ऐसा बोलते थे कि कुछ डरो नहीं, मैं हूँ, मैं आपके साथ दूंगा और ये वो। लेकिन जितना दिन चलता गया तो उनके मन में बहुत डर बैठने लगा HIV की वजह से लेके, और उसने मेरे पीछे किसी और लड़की को देखने लगे। और फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि उनका किसी और से अफेयर है, तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या आप मेरी वजह से किसी और लड़की से प्यार करने लग रहे हैं, या ऐसा कुछ बात है कि मेरे में कुछ कमी है सिर्फ HIV पॉजिटिव होने की? तो वो मेरे को आते ही बोलते थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा होने के बाद मेरा, मतलब जब ही मेरा 4th ऑपरेशन नहीं करवाई थी, मेरा वो बच के आता है, और मैंने पूरा बच्चा के जन्म भी दी थी, और बच्चा होने के बाद उसने मेरा पूरा डिवोर्स करवा दिए थे। और उस बच्चे का क्या हुआ? वो बच्चा, वो HIV नेगेटिव, वो नेगेटिव निकला। तो वो बच्चा आपके पास है या आपके पति के पास? उनके पास। अच्छा, मतलब उन्होंने आपके बच्चे को अपनाया और आपको छोड़ दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बच्चा को मैं पाल सकती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा वो चाहते हैं, क्योंकि वो लड़का था, इसी वजह से। लेकिन आपने अपने आप को संभाला कैसे? सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मेरे पास अभी एक बच्चा है, अभी मुझे उस बच्चे की वजह से जीना तो पड़ेगा ही। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर अगर वो बच्चा को चौथेली माँ मिले तो वो उसको कैसे बर्ताव करेगी? तो उसी बच्चे की वजह से मुझे जीना पड़ा। दूसरी बात कि मैंने इंटरनेट के दौरान HIV के बारे में बहुत जानकारी लेने लगी, लेकिन हाँ, जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उसके द्वारा मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुआ, और उनके अनुभव से मुझे यही प्रेरणा मिली कि खाली मैं नहीं हूँ, बाकी और लोग, और HIV तो बहुत छोटी सी बात है, वो लोग बहुत लंबे काल तक जी भी सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि शायद अगर मैं ऐसा कुछ काम करूँ ताकि लोगों को HIV के बारे में ज़्यादा जानकारी दूँ, तो उनका मन में जो भी निगेटिव फीलिंग, निगेटिव बातें जो भी है, उसको मतलब पर्दाफाश करूँ, ताकि उन लोग को मालूम पड़े कि HIV ऐसी कोई डरावनी चीज़ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो ये सोच की वजह से मैंने सोचा कि अब तो मुझे जीना ही तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने आप को मार डालने के लिए सोची तो आज भी और भी कोई लोग होंगे जो मेरे जैसी पीड़ा झेल रहे, और मैं खुद ही सामने आके मैं मेरे चेहरे दिखा के अगर मैं HIV के बारे में लड़ूँ, तो उन खाली मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी हेल्प कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, मैं कुछ तो कर सकती हूँ। HIV की गिरफ्त में होना, ये एहसास ही इंसान को खौफ, दहशत और नाउम्मीदगी से भर देता है। लेकिन ज्योति डर के बैठ जाने वालों में से नहीं थी। ये HIV से लड़ी, अत्याचार करने वाले अपने पति से लड़ी, और यहाँ तक कि मौत से भी लड़ी। ज्योति, आप एक ही वक्त में 2 लड़ाइयाँ लड़ रही थी, एक अपनी बीमारी से और दूसरी अपने पति की बीमार सोच से। मैं जिंदगी में सिर्फ 2 नहीं 3 लड़ाई लड़ रही थी। एक तो मेरा हेयरिंग प्रॉब्लम थी, दूसरा
बीमारी थी और तीसरा मेरे पति की बेबी पाई थी जो मेरे हेयरिंग स्पीच प्रॉब्लम में इससे मेरे को लोगों के रवैये भी बहुत उल्टा हुआ करता था क्योंकि लोग मेरे ऊपर मजाक उड़ाया करते थे मेरी बोली की वजह से। मैं वो सब बातों को अनदेखा किया करती थी लेकिन फिर भी मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचाता था। और ऊपर से जब भी मुझे एच आई वी पॉजिटिव होना पता चला तो वो भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे को और कहीं से नहीं बल्कि कोई हॉस्पिटल की गलतफहमी से हुआ होगा लेकिन लोगों को मेरे बात पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। और फिर यहाँ तक कि जब भी मेरे पति ने बेवफाई किया मुझसे और किसी दूसरी लड़की के चक्कर में जो पड़ गए और उसने मुझे ज़बरदस्ती डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए वो धकेलने लगे तो वो मेरा आखिरी वक्त था जिससे मैं अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं डिवोर्स देना नहीं चाहती थी और मैंने एक साल तक मैं साइन भी नहीं किया था लेकिन एक साल में मुझे कैसे झेलना पड़ा वो सिर्फ मुझे ही मालूम है। बहुत लात मारते थे, बहुत कमरे में बंद किया करते थे और फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल किया करते थे और फिर वो देर रात आधी रात को घर आया करते थे या फिर कभी नहीं आते थे। और ऊपर से जो दवाई मुझे ज़रूरत पड़ती थी जो अपने जीने के लिए तो वो भी देना बंद कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी उन पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ेगा, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। एक तो हेयरिंग प्रॉब्लम है तो मेरे को कौन सी जॉब मिलेगी ये भी मुझे नहीं मालूम था। मेरे को एक दिन याद है जिस समय मैं घर से बाहर निकली थी और उस टाइम मेरे पास दवाई भी नहीं थे और जॉब के लिए एक जगह से दूसरा जगह खोजना पड़ता था तो उसी वक्त मुझे इतना ताकत भी नहीं था और कभी कभी रास्ते के बीच में मैं चक्कर खा के घी पड़ती थी और जब भी कोई लोग मुझे पूछते थे तो मैं उनको क्या जवाब दे दूँगी मुझे मालूम भी नहीं था। और एक दिन ऐसा आया कि किसी ने मुझे बोला कि बैंगलोर में एक जॉब रही है जो हेयरिंग हैंडीकैप को मिल सकता है। तो मैंने मेरे पति की परमिशन लेके बैंगलोर चली गई। तो उसने जब मैं बैंगलोर में थी तो मुझे पता चला कि वो लड़की ने वो घर पर कब्जा ले लिया है और वो वहीं पर है। तो मुझे अचानक एक महीने के अंदर ही मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। मैं बैंगलोर इसलिए गई थी ताकि मैं अपने आप को जॉब कर सकूँ और दवाई ले सकूँ लेकिन शादी बचाने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और जब मैंने मेरे पति से बहुत गिड़गिड़ाई कि तुमने ऐसे क्यों कर रहे हो, किस बात के लिए तुम मुझको इतना परेशान करो, चाहते क्या हो, तो वो बोले कि ज्योति अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं वो लड़की से प्यार करने लगता हूँ, प्यार कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो और बाकी तो मैं संभाल लूँगा। तो मैंने उनको पूछा कि अभी बच्चा का क्या होगा, आखिर वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है और अगर आपको वो लड़की के पास जाना है तो ठीक है, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं एच आई वी पॉजिटिव हूँ, तो जाओ लेकिन शादी तो कम से कम मत तोड़ो क्योंकि कम से कम मेरे को तो ये बच्चे की वजह से मैं जीना चाहती हूँ। और अगर आपको मुझे दवाई की पैसे नहीं देना है तो वो भी ठीक है, मैं किसी तरह से जीते जी लड़ के जॉब लेके मैं अपने आप को संभाल लूँगी। जब भी मेरे आदमी ने ऐसा चुना कि मैं किसी हालत भी डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ, मतलब पेपर साइन करने वाली हूँ, तो वो जोर जबरदस्ती पर आने लगे। कभी कभी वो हाथ मरोड़ते थे, कभी कभी कुछ हाँ पकड़ के ऊँची से मार देते थे। तो
एक दिन उसी मानसिक प्रताड़न की वजह से मैंने अपनी आप को भी मार डाला था, मैंने हाथ जो मैंने काट दिया था, तो भी बोले कि अगर तुमको आत्महत्या करना है तो तुम बाहर जाके करो, ये घर में मत किया करो, जो भी होगा हम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि वो किसी भी हद तक मेरे को घर से बाहर निकालने के लिए वो चाहते हैं, तो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे बच्चे को छोड़ दूँ। तो आपने क्या सोचा, आपने उनको डिवोर्स दिया? मैंने डिवोर्स नहीं किया, उनके पास अपने लॉयर है जो कोर्ट में लड़ के बोलते हैं कि वो दोनों मिल के डिवोर्स एक्सेप्ट किए, मतलब वो ज्योति भी मिल के साइन करी है, लेकिन मैंने नहीं किया, उसने मुझे ज़बरदस्ती करवाया, मार मार के करवाया। तो वो डिवोर्स आप पे ज़बरदस्ती थोपा गया था? जी, मार मार के आपसे उस पर साइन लिए गए? जी हाँ, दिन ऐसा है कि वो रोज रोज मारा करते थे ताकि मैं साइन कर सकूँ, और वो पीड़ा मैं नहीं झेल सकती थी, वो शारीरिक पीड़ा इच्छा भी तभी और ज़्यादा था, वो मैं नहीं झेल सकती थी, तो मुझे साइन करना पड़ा। दोस्तों, इनके हिम्मत और हौसले के लिए जोरदार तालियां। ज्योति, डिवोर्स के बाद आपने अपनी जिंदगी को कैसे संभाला? डिवोर्स के बाद मैं उस टाइम जॉब किया करती थी, लेकिन मेरे पगार भी इतना ज़्यादा नहीं थे कि मैं दवाई टाइम पे ले सकूँ, कभी कभी मेरी दवाई मिस हुआ करता था, और इंटरनेट के जरिए मुझे एचआईवी के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करने लगी, और जब मैंने ज़्यादा डीप में जानने की कोशिश करी तो मेरे को बहुत से काउंसलर्स के भी नाम आए, और एक ऐसे काउंसलर जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने लगे, और उसकी वजह से मैं अभी इसी मुकाम में, उनका नाम मिस्टर रॉय वाडिया है। वो मुझे एक बार अपने गॉडरेज की एक स्टूडियो में बुलाए थे जहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी, वो जिसका नाम थ्रू पॉजिटिव आई था, और उसने सिर्फ मैं नहीं बाकी और 14 लोग भी थे, एचआईवी पॉजिटिव लोग थे, और हमने एक हफ्ते वहाँ पर गॉडरेज में ही रह के हमने पूरा फोटोग्राफी चेचिंग काउंसिलिंग मिलजुलना, और ऊपर से फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, और फिर उनका स्पीच सुनना, वह सब मेरा पूरा नया जिंदगी और नया द्वार खोल दिया था। जब मैंने एक्टिविज्म शुरू किया तब मैं खुल के बोलने लगी, अब मैंने एचआईवी को अपना साथी मान लिया है। वायरस मुझे नहीं, मैं वायरस को कंट्रोल करती हूँ। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तब मेरी अंदर की आत्मा भगवान से जुट जाती है, उसे मुझे मदद मिलती है, शक्ति मिलती है कुछ अच्छा करने की। चैंटिंग मेरी आत्मा को पवित्र करती है, चैंटिंग मुझे भगवान के करीब ले जाती है। जैसे कि खाना हमारी बॉडी के लिए है, वैसे ही चैंटिंग हमारी आत्मा के लिए।
एचआईवी लोगों में भेदभाव नहीं करता, लेकिन लोग करते हैं। एचआईवी की वजह से हमें जज मत करिए। हमें आपकी दया और तरस नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए। हेलो सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमें ये बताइए कि आपने किस तरह से इनको इंस्पायर किया इस बीमारी से लड़ने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। एक्चुअली एचआईवी मेरी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट किया है। बहुत सारे दोस्त मर गए थे एड्स से 80s 90s में, जब मेडिकेशन अवेलेबल नहीं था, जब स्टिग्मा और भी ज़्यादा था। और फिर हमारे ख़ानदान में मेरे छोटे भाई को एचआईवी हुआ था और वो 2003 में एड्स से मर गया। तो हमारे ज़िंदगी में एचआईवी का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब मेरे छोटे भाई का मौत हुआ, मुझे लगा कि मेरी भी मौत हुआ है। मुझे जो लोग एचआईवी के साथ रहते हैं उनके साथ बहुत एम्पथी हुआ। उनके मौत के बाद एक्चुअली मेरे करियर अचानक से स्विच हो गया और मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम शुरू किया। जब मैं वापस इंडिया आया 5 साल पहले, मैं एक एनजीओ के साथ काम किया और उनके लिए हम लोग ढूंढते थे जो एचआईवी पॉजिटिव थे। और मैंने ज्योति को फेसबुक पे कनेक्ट हुआ था और ज्योति मुझे पूछा कि मुझे ये एक्टिविज्म अभी प्रैक्टिकल करना है, मुझे एक एनजीओ की तरह काम करना है, मैं क्या करूँ, कैसे फोकस करूँ। कहती थी कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। तो मेरी माँ, एक्चुअली मेरी मम्मी, उनको बोली कि एक चीज़ करना पर एक चीज़ बराबर करना। ज्योति बहुत सारा काम उनके खुद की तरह से किया, मैंने कुछ नहीं किया। आजकल देखता हूँ कि ज्योति जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, दुनिया में, जो साथ मिलके स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। और उनकी ताकत से, उनके कलेक्टिव ताकत से दुनिया को चेंज करते हैं। मेरा नाम प्रिया देवनाथ है और मेरे को 2002 से मालूम पड़ा कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को ये बीमारी है, तो मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के चले गए। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 लड़की 3 लड़के, वो भी मुझे संभालते नहीं। 5 साल से यही हालत में मर रही हूँ, सारा किसका भी नहीं। बोले तुझे बीमारी है तो तेरे से हम लोग नहीं। आज मैं जानवर रखती हूँ और उनके साथ मेरी पूरी लाइफ जाएगी। पहले एक बकरी लेके आई, फिर मंडी गई तो एक मेंढे का बच्चा लेके आई। आज मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक कुत्ता है और उसको एक बच्चा हुआ, उसका नाम शेरा है। उससे मेरे को ये मिला क्या नहीं, मैं मेरे बच्चे का बचपना देख सकती हूँ, अच्छे से रह सकती हूँ। आजू बाजू वाले से लेना देना नहीं, सब मुझसे नफरत करते हैं, क्या इनको बहुत बड़ी बीमारी है, हमें भी लगेगी। यही सब मेरा परिवार है और परिवार इसलिए है मेरा, ये वो मुझे बोलते नहीं है क्या तुझे बीमारी है, आज वो है तो मैं हूँ। एचआईवी को लगातार हराते हुए और जिंदगी को लगातार जिताते हुए ज्योति, इनकी हिम्मत को देखकर इनको प्रोत्साहित करने के लिए स्त्री शक्ति के मंच पर आ रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, जानदार अभिनय और आवाज के मालिक और मशहूर रजा मुराद जी और इनकी पत्नी शाहरुख जी। तालियों से स्वागत कीजिए रजा जी का और उनकी धर्म पत्नी शाहरुख जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्त्री शक्ति के मंच पर। ज्योति, रजा जी को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा अलग अलग अभिनय करते हुए, आज वो स्पेशली आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे सामने है, अब अभी अपनी पत्नी के साथ भी है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजारी हूँ। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। काश मैं अपनी पत्नी के बगैर आता तो आपके पास बैठता।
मेरी जगह पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ज्योति, मैं ये कहना चाहूंगा, आप एक मिसाल हैं नारी शक्ति की, आप एक मिसाल हैं हिम्मत की, आप एक मिसाल हैं सब्र की। नारी जिस तरीके से लड़ती है, नारी में जो सब्र होता है, नारी में जो ताकत होती है, वो मर्द में कभी ताकत आ ही नहीं सकती। ये भी कहना चाहूंगा इसके साथ साथ कि देखिए, एक जो एक गलत फहमी है HIV के बारे में कि आपको उनके करीब नहीं जाना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ये बातें जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। हाथ मिलाने से, गले लगने से, उनके ग्लास का पानी पीने से भी हमें कुछ नहीं होगा। तो ये आई ओपनर होगा, ये एक नसीहत होगी देखने वालों को कि देखिए, आपके सामने एक जिंदा मिसाल है कि जो पिछले 9 साल से पीड़ित है, कहीं से वो पीड़ित लग नहीं रही है। वक्त के साथ साथ HIV से लड़ना और जीना ज्योति ने सीख लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होती है अकेलापन। ज्योति बहादुर थी पर अकेली भी थी, और तब कुछ ऐसा हुआ जो ज्योति ने कभी नहीं सोचा था। मैं ज्योति को सोशल वेबसाइट पे मिला, और फिर थोड़ी दिनों में हमारी बातचीत चैट पे होने लग गई, और फिर हम रोज चैट किया करते थे। इस चैट के दौरान हमारी दोस्ती और गहरी हो गई, और मुझे वो बहुत पसंद आने लग गई, और मैं वेट करता था कि वो कब आएगी चैट पर, हमारी बातें होगी। इसी दौरान हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। जब भी हम लोग डेटिंग किया करते थे तो मुझे एक बात का डर लगता था कि कहीं विवेक मुझे छोड़ ना दे मेरी HIV की वजह से। मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे अपने सिकनेस के बारे में बताया, जो कि मुझे मायने नहीं रखा ज़्यादा, क्योंकि मैं ज्योति से बहुत प्यार करता था। मैंने कहा ये कोई हमारे बीच में दरार नहीं बन सकती हमारे प्यार के बीच में। इसी तरह हमारी दोस्ती और गहरी होती गई, और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, और एक दिन मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या। जब विवेक ने मुझे कहा कि वह मुझसे शादी करेगा तो मुझे सबसे पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन हुआ तो मैं एकदम खुशी से चल पड़ी, मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं विवेक जी को नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। ऐसी मिसालें जो हैं दुनिया में बहुत कम मिलेंगी। इनसे प्रेरित होके हजारों लाखों नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अगर कोई एड्स से पीड़ित कोई लड़की है तो उसके साथ जीवन बिताने में, उसको अपना जीवन साथी बनाने में आपके जीवन को कोई खतरा नहीं है। विवेक जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने इनसे विवाह किया, इससे तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि एक पीड़ित महिला से जो इन्फेक्टेड है HIV से, उससे जो संभोग होता है, शादी के बाद तो संभोग होता ही है, उसमें आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। पहले तो मैं ये स्त्री शक्ति के मंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया जी, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पे आए हमारे लिए जी। जैसे कि HIV के बारे में अभी आपको सब जगह इन्फॉर्मेशन है, बस इंसान ने आँख खोलनी चाहिए और उसका ध्यान रख के मतलब पढ़ लेना चाहिए। हाँ। जैसे कि बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जी, आज डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर चेटियार आज हमारे साथ आए हैं जी, जी। वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या करने से ये हो नहीं सकता है। जैसे कि प्रिकॉशन के लिए आप कॉन्डम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है जी जी, तो आप उसे वो करके आप संभोग कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरा ये सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी इन्फेक्टेड नारी का आप चुम्बन ले लेते हैं या उससे आपका सलाइवा एक्सचेंज हो जाता है, तो क्या उससे भी बीमारी का खतरा होता है? रजा मुराद जी, बहुत शुक्रिया ये आपने सवाल किया।
यहाँ पे सलाइवा में एचआईवी का जो वायरस है ये बिल्कुल नहीं होता, उसमें एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, वो अपने आप एक एंटीबॉडी तैयार करता है जिसके चलते ये वायरस अपने आप में ही मर जाता है। सो इवन वेट किसिंग जो बोलते हैं, अगर मैं खुल के बताऊं, ड्राई किसिंग पेक्स में तो बिल्कुल सवाल नहीं होता है, इवन जब इंग्लिश में अगर बोलेंगे स्मूचिंग बोलेंगे या फिर वेट किसिंग बोलेंगे, उसमें भी ये इन्फेक्शन नहीं होता। जबकि अगर वो जो पीड़ित महिला है या पुरुष है उसको इन्फेक्शन है, उसको ब्लीडिंग गम्स है या फिर कोई भी कट्स एंड वूंड्स है, और सामने वाले पर्सन को भी अगर इन्फेक्शन होने का चांस जब भी होता है, जब उसको भी कट्स एंड वूंड्स हो, तो अगर ब्लड का एक्सचेंज होता है वो भी कुछ क्वांटिटी में, बहुत मामूली क्वांटिटी में एचआईवी नहीं फैलता। एचआईवी का इन्फेक्शन होने के लिए भी बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, यू नो इट्स नॉट सो ईजी टू गेट इन्फेक्टेड विथ एचआईवी। सो दीज आर सम थिंग्स बाय टचिंग। एंड और एक बहुत बार पूछते हैं कि टॉयलेट शेयरिंग होता है, अभी एक घर में दो टॉयलेट अभी हो या फिर वन बेडरूम हॉल किचन में एक ही टॉयलेट हो तो टॉयलेट का शेयरिंग होता है, तो भी टॉयलेट शेयरिंग में नहीं होता है। तौलिया अगर एक दूसरे का वापरे हम, किसी इन्फेक्टेड पेशेंट ने जब यूज़ किया हुआ वो अगर मैंने यूज़ कर लिया हो तो नहीं होता है। दी ओनली थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आर द हेट्रोसेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जहाँ पे विदाउट कोई भी प्रोटेक्शन, विदाउट कोई कॉन्डोम वो अगर सेक्स हुआ हो, औरत को अगर इन्फेक्शन है या फिर मर्द को इन्फेक्शन है, दोनों में से किसी को अगर है तो इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। दूसरी बात और एक इम्पॉर्टेंट इन दिस हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर इज फ्रॉम अ वुमन टू मेल द चांसेस आर अ लिटिल लेसर देन अ मेल टू अ वुमन। आदमी ज़्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है देन अ वुमन। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, द सेकेंड थिंग इज इन्फेक्टेड वुमन अगर है, उसके अंदर पलने वाला जो बच्चा है जी, उसको माँ के द्वारा माँ के ब्लड से हो सकता है, बट अभी द स्टडीज आर सो मच एडवांस्ड एंड एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि यहाँ पे इन्फेक्टेड मदर बच्चा पैदा जब करती है तो वो बच्चा नेगेटिव, पूरी तरह से 100% नेगेटिव हो सकता है। क्या बात है, वाह वाह, उसको क्या बात, 3.5 महीने की प्रेगनेंसी में से जब अगर दवाई शुरुआत कर दी गई हो, डिलीवरी होने तक, डिलीवरी होने के बाद बच्चे को 1.5 महीने तक दवाई दे दो तो बच्चा पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। एंड टू शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ माइन, आई हैव ऑलमोस्ट 280 और 300 किड्स, ऑल द किड्स आर नेगेटिव टुडे विद इन्फेक्टेड पेरेंट्स। एंड तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूशन से होता है, जो कि आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूशन देने के पहले अच्छी तरह से स्क्रीनिंग होता है, सो फ्रॉम ब्लड ऑल्सो इन्फेक्शन होने का चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो गया है। दिस आर द ओनली थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जहां से एचआईवी हो सकता है। बहुत इसके अलावा एवरीथिंग इज कहीं सुनी बातें। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, थैंक यू। एचआईवी के नाम पे एकदम खौफजदा हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं जी। उनको आपने एक बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। शाहरुख जी, आप कुछ विवेक जी से पूछना चाहते हैं? हाँ विवेक, आपने इनसे जब शादी की तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? फिलहाल मतलब एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है जब मैंने लोगों को कहा गया, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी। ओके, लेकिन जो सोसाइटी का स्टिग्मा है वो तो उनके जहन में अभी भी है जी, तो वो उनको डर नहीं है लेकिन उनको सोसाइटी का डर लगता है जी। तो मेरा कहना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ओके, जब अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम आप सोसाइटी के बारे में सोचो, अगर आप कुछ सही करते हो तो आपको सोसाइटी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली, तो मैंने वो कदम उठाया और ज्योति एक बहुत ही अच्छी, शी इज़ अ वेरी वंडरफुल सोल, एक अच्छे इंसान है। ओके, और शी इज़ अ वेरी गुड पार्टनर, और वो इतनी जिंदा दिल है कि वो कभी किसी बात पर रोती नहीं है। है तो है, बहुत बड़ी बस बात खत्म। तो विवेक जी, इस बात पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। अब सबके सामने आप ये बताइए कि आपकी पहली मुलाकात इनके साथ कब हुई और आपके मन में शादी का ख्याल कैसे कैसे आया? जैसे जब हम सोशल वेबसाइट पे ही मिले थे और हमारी बातचीत हो रही थी चैट के थ्रू ही, लेकिन मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बस हम बात ही कर रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद मुझे पता चला कि इनके पिताजी का देहांत हुआ है और मुझे लगा कि ये वक्त है कि मैं उन्हें मिल लूँ, और उस वक्त मैं उन्हें मिला पहली दफ़ा।
तभी तक मुझे पता नहीं था इनके स्टेटस के बारे में, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, चैट के दौरान आपको पता नहीं था? नहीं 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 पता था, बिकॉज वो खुद मुझे खोना नहीं चाहती थी। वो डरती थी कि अगर मैंने अभी बता दूँ तो शायद ये मुझसे बात करना बंद कर दे, जो कि बहुत सही था उनके उनके सोच के साथ। तो एक दफ़ा फिर वो मुझे कहना चाहती थी लेकिन संकोच करती थी, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मुझे कह दिया कि खोने का डर था। हाँ, उनको खोने का डर था, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि उनको ये बीमारी है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, मैं आम इंसान की तरह हूँ, मुझमें भी डर है, हर इंसान को डर होता है। और जब कहा तो मैं काफ़ी शॉक स्टेट में चला गया और मैंने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब बातें। फिर मैंने बात नहीं की, मैंने कहा कि बस मैं जा रहा हूँ, और मैंने तीन महीने तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन उस तीन महीने मेरे लिए भी आसान नहीं थे, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत सोचता था कि उस पर क्या बीत रही है। वो एक औरत है, वो अकेली है और वो इस दुनिया से लड़ रही है, जबकि साथ उसके साथ कोई नहीं था। मेरे साथ मेरी फैमिली होने के बावजूद भी जब मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। फिर बाद में मैंने तीन महीने के बाद मैंने उससे टेक्स्ट किया कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें मिलने। वो मौका बहुत, मतलब वो लम्हा बहुत इमोशनल था। मैं मिला, काफी रोना धोना हो गया, मैंने उनको हग किया, वो ने हमने हग किया, बहुत रोए। और मैंने कहा कि ज्योति, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ और फिर हम इस रिश्ते को आगे लेंगे, हम एक दूसरे के अच्छी तरह से समझें और हम फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारी जिंदगी में। जब आपने ये सोच लिया कि आपको इनसे शादी करनी है और फिर आपने जाके अपनी फैमिली को बताया, तो उनको मनाने में, उनको कन्विंस करने में आपको प्रॉब्लम्स आई? मैंने पहले अपने सिस्टर से बात की और उनका मुझे सपोर्ट मिला, और बाद में फिर मैंने एक दिन मम्मी डैडी से बात की और उनको मैंने समझाया। लाइक देखो, हर माँ बाप की एक उम्मीद होती है, एक ख्वाहिश होती है। तो थोड़ा मेरे डैडी बड़े प्रैक्टिकल हैं, मम्मी को थोड़ा समझाने में वक्त लगा, लेकिन वो समझ गए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और मेरा यही कहना है कि एक दिन हम सभी को इस दुनिया से जाना है, तो अगर आज हम थोड़ा प्यार बांट के जाएं तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। सही बात। अच्छा ज्योति, इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको विवेक के अंदर कौन सी बात थी जो सबसे ज्यादा पसंद आई? विवेक का दिल जो है, जो दूसरों को दुख देखा नहीं जा सकते, मतलब कि वो जानवरों को भी बहुत प्यार करते और वो मच्छर को भी नहीं मारते। मच्छर को तो मारना चाहिए, डेंगू का खतरा है भाई। दूसरी बात ये है कि मैं अपने आप को किस्मत ही समझती हूँ कि वो निगेटिव होते हुए भी मुझे अपनाए, उसके लिए मेरे लिए बहुत काफी है। आपकी अगर इजाजत हो तो इनकी तारीफ में मैं एक मुकरा जाऊं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको एतराज ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। ज्योति, मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करूं मैं क्या करूं, हो तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं, तूने आवाज दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जाते जाते क्या आप स्त्री शक्ति के मंच पर कुछ बोलना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब इंसान इस दुनिया में आता है
तो सबसे पहले उसकी मुलाकात, उसका परिचय उसकी माँ से होता है, जो 9 महीने उसे अपने पेट में रखती है, पालती है, पोसती है, दुआएं देती है। तो सबसे महान जो स्त्री है और सबसे बड़ी जो स्त्री शक्ति है दुनिया में, वो माँ है। तो माँ के लिए मैं ये कहूँगा कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ज्योति HIV पॉजिटिव है, लेकिन इन्होंने जिंदगी की पॉजिटिविटी सीखी है। इसी के साथ मैं आप सभी का, हमारे सारे दर्शकों, रजा जी, शाहरुख, ज्योति, विवेक और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा आज का सवाल है कि ज्योति को कौन से साल में पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। अगर आप में से किसी भी महिला ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई या फिर समाज में सुधार लाने के लिए कोई भी कदम उठाया है, तो आप हमें जरूर लिखिए। हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएंगे। हमारा पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्त्री शक्ति के अगले एपिसोड में एक बार फिर मैं समीक्षा हाजिर होंगी हिम्मत की एक और दास्तां, एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए। शुभ रात्रि। लेडी टैक्सी ड्राइवर का आइडिया आपके मन में कैसे आया? जब मैं यंग लेडीज 21st सेंचुरी महिलाओं को मिलती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं प्रियदर्शनी टैक्सी सर्विस। जब मैंने पूछा उनको क्या आप टैक्सी चलाना चाहेंगे, तो इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तब मैंने तय किया कि हमें करना ही।